का लालन पालन करती, झोली जीवन की है भरती, वर्षा तूफान है सहती, इस जग के लिए है मरती, इसकी ममता ही अनंत है। इसकी ममता ही अनंत है, रक्षा बच्चों की सदा करती। सोना उगले मेरी धरती, चांदी उगले मेरी धरती, हीरा उगले मेरी धरती, मोती उगले मेरी धरती। मैं पहले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं रोक के दिखाऊंगा। अभी भी जाएगा पढ़ने? हाँ पढ़ने जाऊंगा। ए मास्टर के बच्चे, छोड़ दो इस गांव में, स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ा रहा है। अपने प्रिंसिपल से कहिए कि उसे जितना पैसा चाहिए। पैसे से आप अध्यापक प्रिंसिपल खरीद सकते हैं, शिक्षा नहीं। चलता हूँ, नमस्ते। के दीपक से जिंदगी का अंधेरा दूर होता है, ये बात तुम लोग कब समझोगे? जय मां काली। गांव वालों के बर्बादी की खुशी में आज हमने एक जश्न रखा है। थोड़ा उधर चलो ना, तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है। इस गांव को मैं घुट घुट के जीने नहीं दूंगा, यहाँ भी शिक्षा की लहर आएगी। गोरी दिल बा तोहार, दिल हमार हो गइल, कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गए। हाँ, कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गए। मैं अक्सर यही सोच के घबराती थी कि मेरी शादी किसी अनपढ़ गवार से ना हो जाए। नैना में नाचे ला सूरतिया तोहार हो, तोहरा ला करी हम सुर हो सिंगार हो। सर, ये मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ हर कोई पढ़ना चाहता है लेकिन ये लोग पढ़ने ही नहीं देते हैं। सर जरा ध्यान से इस गांव की तरफ देखिए, इन्हें पता तक नहीं है कि शिक्षा क्या होता है और शिक्षा से क्या फायदा होता है। हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है सर। जो तुम ये कह रहे हो, क्या ये सच है? 100% सर। SDM साहब के पास जमा करना है ना? हाँ। तो आप इस पर उठा लगा दो। मुखिया जी मेरे को गांव से भगा देगा ना? वो दीपक का बच्चा आज SDM तक पहुँच गया। ए काली, ले जा अपने आदमियों को। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा, किसी लायक नहीं रहेगा। आज के बाद इस गांव में कोई भी शिक्षित नहीं होगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा। स्वाहा। आपके नाम पे चिट्ठी आई है, हमें कौन भेजेगा भाई? कैसन भेजना संदेश, आप ही पढ़ के बता दीजिए। रामलाल जी, इसे रोकिएगा मत, ये एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगी। बहू, आपने हमारा नाम रोशन किया। बाबूजी, अभी तो बस आपका नाम रोशन किया है, अब पूरे समाज को शिक्षित करके घर घर में रोशनी फैलानी है। कैसा जादू डाला उसने, भूल गया तू मोरी अटरिया, करके अंधेरा मेरे आंगन में जा बसा तू।
हमें बेहद खुशी हुई है ये जानकर कि आप जैसी कर्मठ महिलाएं आज भी हमारे समाज में हैं। इसी के साथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा और नौजवान शिक्षित हो जाए। सर, जब तक मुखिया भानु प्रताप और तांत्रिक का डर उनके दिल में है वो हमारी बात नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? हम रामनगर को विकसित देखना चाहते हैं। गुड लक। बहुत जान आ गई तेरे में। औरत हूँ, अबला नहीं। अबे तू कौन है? हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे टाइप के हैं। और तू? तू और तेरा बाप? बकवास बंद कर। सुना है आजकल बहुत आग मुद्दे हो। मुझे उन सब की फाइल चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, चाचा बच्चा दोनों खत्म हो चुके। आप भी इस पाप में बराबर के भागीदार हैं। हर कोई शिक्षित होगा। हाँ। हर किसी को अपनी भरपूर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता आप लोगों की बहुत तारीफ करती है, क्यों ना करें। ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आपको जो भी कहना है हिंदी में कहिए, हम लोग तो अंगूठा छाप है। मुखिया जी अंगूठा छाप, मुखिया जी अंगूठा छाप, कैसे हुई गांव के विकास, दंभाड़ी मूर्ख चपाट, कैसे हुई गांव के विकास। अभी बताता हूँ तुझे। तेरी इतनी हिम्मत की तूने इस वर्दी को छूने की कोशिश की? ये मेरी जान है और इस देश की शान है। ये जो कलम है ना बहुत खतरनाक होती है, अगर जल जाए तो बड़ों बड़ों के सर कलम कर देती है। इसीलिए मैंने इन सब कलम वालों के सर कलम कर दिए। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो सबको मार दूंगा। तब जाकर गांव में शिक्षा का विनाश हुआ। विनाश। नहीं काम आई है बाप भाई हो, काम आई है पढ़ाई, आई है पढ़ाई हो, आई है पढ़ाई, आई है पढ़ाई हो, आई है पढ़ाई। गांव में स्कूल खुल जाएगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के कुछ सीख तो जाएंगे, वरना इसके जैसे अंगूठा छाप रह जाएंगे। चुप। आज नहीं चुप रहूंगी मैं। अच्छे टीचर सबसे ज्ञानी मेरे टीचर, अच्छे टीचर सबसे ज्ञानी मेरे टीचर। रोशनी जी, जो आप शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है पूरे भारत में, देश में, क्या कहना है इसके बारे में आपका? मेरा हर एक कदम यही कहेगा कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, बच्चों को कॉपी किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए उन लोगों को। वादा करता हूँ बेटा तुम्हें। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हॉस्पिटल है ये, प्लीज बी साइलेंट। आप इस वार्ड से प्लीज बाहर जाइए। साइलेंट सर। तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाया जाए।